अन्न परमेश सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ प्रिय ग्राम वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहु च पार्वती। आज एक नया प्रयोग कर रहा हूं। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में या रसोई में थोड़ा प्रसाद का प्रयास कर रहा हूं, तो अपने हाथों से ही आज बनाऊं। आज क्या बनेगा? आज साग बनाता हूं और उस साग के भोग लग गए है ना, तो देखता हूं कैसे प्रभु प्रसन्न होते नहीं होते, प्रयास है अपना। तो अभी बनाते हैं। सबसे पहला हम लोग आज के रसोई में बैगन। तो बैगन को लोग क्या समझते हैं ना, चलो इधर सुन भी करता हूं और बातें भी होती रहे। तो सबसे पहला इधर डाल दो वनस्पति है ना। इसके बाद जो है अभी आप देखो जी क्या है ना कि ये बनाने के लिए मैं तो वैसे बहुत कभी बनाता नहीं हूँ, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अब मेरी इच्छा हो गई कि अरे भैया देखो ऐसा है ना, आदत तो है नहीं, मैंने गैस को ऑन किया ही नहीं था। चलो अब ये बन गई। देखो कैसे भोजन बने ये ख्याल रखने की बात, विशेषकर माताओं बहनों को बताना चाहूंगा, भोजन बनाते समय आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, ये समय भी है और तब तक ही अपना ये पात्र भी गर्म हो जाएगा। तो भोजन शुद्ध होकर आओ इस मंदिर में ना, मन से शरीर से शुद्धता सुचिता होनी चाहिए। आप इस मंदिर में प्रवेश करो रसोई में शुद्ध मन से, और आपके मन के भाव भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा भोग बने कि आज हमारे तो प्रभु बिल्कुल प्रसन्न होकर उसको पाएंगे, घर में भी अपने जितने लोग हैं इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, आनंदित होंगे। और यह भी भगवान से प्रार्थना कि मैं ये जो पा रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, ये हमारे शरीर में जाए और ये सुंदर से अपनी पाचन तंत्र को भी सही रखे, और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो भोजन का तात्पर्य है यह भी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखो ये तेल गर्म हो गया। इसके बाद सबसे पहले हींग स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा हींग डाल दूं। और हींग डालने के पश्चात सबसे पहला हमें डालना है ये पंचफोरन। मैं थोड़ा और धीमा कर लेता हूँ, शायद लगता है ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। अब तो लोग भगवान ही रक्षा करेंगे भैया, गड़बड़ कुछ मत हो जाना है, मैं बड़ी शौक से बना रहा हूँ आज। इसके बाद लेता हूँ ये इस लंका को भी डाल दो है, इसे मिर्ची भी बोलते हैं, लंका भी बोलते हैं, ये डाला। और इसके बाद फिर डालता हूँ अभी एक काम और करता हूँ, इन बड़ियों को डाल देता हूँ। देखो ये बढ़िया जब, लेकिन क्या ना इसके लिए ये पूरा इस पर तैरना चाहिए था ना। चलो हो जाएगा, कुछ यत्न करता हूँ, देखता हूँ कैसे होता है। और निश्चित इस पर भी मैं क्या ना इसके लिए तो एक पकड़ने का भी रखना चाहिए था मुझे। और इसके बाद ये बढ़िया जब थोड़ी गर्म हो जाए, लाल लाल हो जाए ना, क्योंकि बराबर चलनी चाहिए ना। अभी देखो ये ज़्यादा पक जाए और दूसरा चीज़ कच्चा रह जाए, या ये कच्चा रह जाए फिर दूसरी चीज़, तो ये एक संतुलन बनाने का भी होना चाहिए। तो ये बताना भूल गया था आपको, दिखाना भूल गया, अदरक भी डाला। इसके बाद इन मूलियों को कट करके रखा है, इन मूलियों को भी डाल दिया। देखो क्या ना, अरे भगवान को क्या चाहिए। अब ये हमारा ये बालक मन कहता है कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, कहते हैं तो चालाकी लगती है। ये प्रसाद स्वरूप में जब आएगा तो पारस को ग्रहण तो हम करेंगे ना, तो अपने स्वादानुसार बनाते, तो यहाँ हमारी थोड़ी चालाकी हो जाती है। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया, ये आलू बैगन टमाटर जितनी चीजें वो उनका दिया हुआ है,
उनके बागीचा से लाया और हमने इसे बनाया। और हम क्या बोलते हैं कि भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान इसे पाएंगे, ग्रहण करेंगे। लेकिन जहाँ साकार की बात होती है, जहाँ साकार पूजा की बात है, तो वहां मन की भाव की बात होती है। तो इस भाव में देखना है कि भगवान को क्या प्रिय है, तो उनकी प्रियता के हिसाब से हमें अब ये बनाना। मुख्य बात क्या है? भाव। क्या जी बोलिए? तो भाव होनी चाहिए कैसी कि प्रसाद जो बन रहा है एकदम दिव्य बन रहा है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें हमारे आलू मटर ये बैंगन इनसे क्या लेना, वो सारे संसार को खिला रहे हैं। हम उन्हें अपनी भाव को, जैसे बोलते हैं फूल चढ़ाओ, कौन से फूल चढ़ाओ? आज अगर बगीचे में फूल आया ही नहीं तो फिर फूल कैसे लगेगा? तो हृदय कमल को ही भगवान के चरणों में अपना समर्पित करो। तो ये तेरा कुछ को अर्पण, तेरे ही बागीचा से निकाला, कुछ बनाया, भोग लगाया, और भोग लगा के जब हम भी फिर ग्रहण करेंगे। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, चलो देखो कैसी होती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्या ना, मेरा ये अभ्यास नहीं है, किसी को पता नहीं, थोड़ा मुझे लग भी रहा है कि ये कैसा है। अब एक काम करता हूँ, इस पे डालता हूँ राम रस। जैसा सुना है, जब मैं बाल्यावस्था में था तो अपनी माता जी से सुना था क्या ना कि राम रस डालो, इसे नमक बोलते वक्त है ना, ये राम रस डाला तो ये इन तरकारियों को पकाने में सहायक होता है। अब देखो मेरी माता जी की बात पड़ गई मुझे, अब ये डाला ना, अब ये बनने में सहायक होगा, ये जल्दी करेगा। राम रस नमक को यदि लेट किया डालने में तो ये बनेंगे नहीं, पकेंगे नहीं। तो ये भी है भाई, हल्दी भी डालनी है ना। अब ये नित्य का अभ्यास रहेगा कोई नहीं, लेकिन चलो एक बात है कि अगर आज सही बन गई ये तरकारी, सही बन गई और यदि लगा कि सही है, भगवान ने स्वीकार कर लिया, फिर बनाएंगे। तो मैं तो कोई रसोईया हूं नहीं, वैसा महाराज तो हूं नहीं कि मैं आपको रेसिपी सिखाऊं, बस आनंद करना है, थोड़ी भोग बने और भोग के बाद अरे ले ले, एक देखता हूं ये अभी कहां तक पहुंचा, ये बनने में ये कट नहीं रहा है, इससे यदि कटने लग जाए तो अरे भाई ये तो खड़ा है। आँच को थोड़ा बढ़ा देता हूं और इसे थोड़े दिन और पकाता हूं। ये सीक्वेंस मुझे इसके क्रम से ही नहीं लग रहे हैं, हो सकता है मैंने सही क्रम में मैं नहीं बना रहा हूं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये अभी विश्वास है कि बनेगा तो पक्का बढ़िया स्वादिष्ट भी होगा और मैया बड़ी प्रिय से इसे ग्रहण करेंगी। हाँ ठाकुर जी भोग लगाएंगे, पक्का मुझे विश्वास है, क्योंकि सुगंध सही आ रही है। हाँ? सुगंध तो है। मैं कोई चलाकी नहीं कर रहा हूं, सादगी से बना रहा हूं। अब भगवान तुम ही मदद करो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कोई इसका प्रशिक्षण लिया नहीं,
तो नीचे पकड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा आंच और कम कर, धीरे धीरे आंच में पकेगा ना तो बराबर होगा, इसलिए धीरे धीरे पके, बढ़िया लगा रहे थे ना। अब याद तो पहले चूल्हे में बनाती थी हमारी दादी नानी सारी चीज, वो गैस का जमाना था नहीं, तो अभी आया गैस, गैस आया तो ये बर्तन कई प्रकार के आ गए आधुनिक, ये आ गए तो रसोई का भी स्वरूप बदल गया। अब इनमें चिपक जाते हैं फ्यूम्स बोलते हैं, इसके जो गैस निकलती है वो फ्यूम्स चिपक जाते हैं, तो ये भी थोड़ा निकल गया, क्या बोलते हैं ये चिमनी, ये सारा आपको शक करके बाहर फेंक दिया। अच्छी है, आधुनिक उपकरण है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये पहले और अपने कितना स्वरूप बदल गया। देखो पहले वो दादी नानी बनाती थी, हमारी माता जी बनाती थी, बाहर चूल्हे में लगाई, लकड़ी लगाया, बर्तन भी वैसे ही होते थे और दिव्य भोजन दिव्य प्रसाद बना, बढ़िया से आनंद आता था उसमें। आँच को बढ़ा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बढ़ाता हूँ हाँ कुछ सेकेंड, इसके बाद एक बार देखता हूँ फिर से। अभी लग रहा है थोड़ा गर्म हुआ, इस बार चलाता हूँ। अच्छा आप देखो तो इसका रंग बहुत ठीक लग रहा है ना, ये हल्दी ज्यादा तो नहीं, कुछ ज्यादा पीला तो नहीं हो गया, मुझे लग रहा है सही है तो भाई। और मैं अपना बताऊं आपको, मुझे स्वाद वाद से ज्यादा मतलब होता है, तो मैं क्या करता हूं मुझे चाहिए बस तीखी नहीं होनी चाहिए, बाकी आ वो रामरस भी कम है ना तो भी चलेगा मेरे से, मुझे पता नहीं लगता मैं रामरस बोल रहा हूँ मतलब अभी। अरे अरे मुझे आ गया, चलो भाई अभी मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि इन आलूओं को मैं से दबा के देख रहा हूँ तो वो अब कटने लग गए, मतलब थोड़ा ये पक रहा है, ये मूलियाँ थोड़ी टाइट है, ये थोड़ी जिद्दी प्रकृति की होती है ऐसा लग रहा है भाई, धुआं उठ रहे गड़बड़ मत। अब लग रहा है यहाँ तक तो यात्रा पूरी हो गई, अब डालता हूँ इन पालक कटे हुए पालकों को। अब ये पालक भी है ना, ये स्वयं भी थोड़ा इससे जल स्रावित होगा, तो इधर भी जो थोड़ी कमी लग रही है वो सही हो जाएगा। अब इसको चलाता हूँ और चलाने के बाद रेडी। ये साग के बाद भी अब ये सही फाइनल है, अब इस पे एक दो कुछ चीजें जो बच गई हैं वो डालो, थोड़ा उसमें जल दे देंगे, ढक देंगे बस, उसके बाद तो सुगंध है, अच्छे सुगंध आ रहे हैं। अभी देखो इस पर क्या करता हूँ, अभी डाल दिया, सबसे पहला डाला ये लाल लाल एक टमाटर है, इससे टमाटर के बिना तो ये बिल्कुल ही अधूरा रह जाता, एक ही साथ आ जाता कुछ गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ी धनिया पाउडर भी है और ये थोड़ी लंका पाउडर है, भैया हंसना मत, पहले बोला था ना मेरा ये अभ्यास नहीं है, ये तो बस एक प्रयोग है मेरा, एक मन में भाव आ गए। अब ये साहस बोलो दुस्साहस बोलो, मेरा एक प्रयास है। और कितने लोग इस वीडियो को देख के हंस रहे हैं उसका अंदाजा तो है, लेकिन हंसने वालों में आपको बता दूं, अगर ये सही भोग बन गए और स्वादिष्ट हो गए तो मैं फोटो दिखाऊंगा आपको लास्ट में, रुकना फिर देखना, आप मेरी हंसी उड़ा लो है ना। अभी एक बड़ी पौराणिक चीज,
ये बड़ी आप जानते हो, बड़ी इसको बीच में डाल देता हूं, इसके अंदर में इसको बीच में डालता हूं। देखो बड़ी ये इन बड़ियों को डाल दिया यार, और इसको बीच में ढक दिया। मेरी अपनी एक स्टाइल है जी, ये थोड़ी शक्कर डालता हूं। देखो भाई, ठाकुर जी के मुख में थोड़ा भी तीखा ना लगे, है ना। वैसे भी भोजन मन भावन होना चाहिए, मधुर होने चाहिए, सुपाच्य होने चाहिए भोजन का। क्या मैं तो किसी से क्या सुना कि जब तक तरकारी खाई, भोजन किया, होठों पे लगा नहीं तीखा, तो क्या तू तीखा कर फिर मिर्ची खा लो ना, फिर लंका खाओ। भोजन मन भावन होनी चाहिए, मन में अच्छा लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि ये प्रसाद पाया। तो प्रसाद कैसे होंगे, जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय हो। प्रिय कैसा होगा, क्या माता रानी लेंगी, हाँ हमारे प्रभु जब ये ग्रहण करेंगे और उनके जीवा में थोड़ा भी यदि तीखा लगे तो फिर उन्हें जिस भाव से दे रहा हूं वो नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे प्रिय वही भगवान को देना, और भगवान को जो अच्छा लगे स्वयं भी वही ग्रहण करना, ये हमारे प्रसाद का भोजन का नियम है। अब एक काम करता हूं, थोड़ी सी इसमें जल डाल देता हूं। ये जल डालने से ना, अच्छा कभी क्या सुना ना, ऐसी स्थिति में जब जल देते ना तो ठंडा जल नहीं, ये भी इसे बॉयल करके रखना था पहले। मैं तो अभी कच्चा ही डाल दिया, ध्यान दे ही नहीं पहले, इसको बॉयल करके रखता। क्योंकि अभी ये जो तरकारी बन रही है इसकी यात्रा जहां तक पहुंची है ना, आंच बढ़ाना है। कुछ लोग तो निर्देशन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि बाबा जी को अभी इसमें ऐसा करना है वैसा करना है, मैं आपको सुन नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, है ना। तो क्या है, देखो गाड़ी में कभी कभी रेडिएटर में पानी डालते हैं, तो गाड़ी जब खड़ी है तब तो पानी डालेंगे ठंडा पानी, लेकिन स्टार्ट गाड़ी में कभी देखो अगर पानी डाला। अभी बताता हूं, एक बार ढक दो, इसकी आंच मैंने थोड़ी बढ़ा दी, अब ये पकेगा भी फाइनल स्टेज पर, बस थोड़ा कुछ मिनट और। तो जब गाड़ी बंद है, गाड़ी की मोटर जब उसके इंजन ठंडे हैं तो ठंडा पानी डालते हैं, जब गाड़ी गर्म है और बीच में लगता है कहीं इंडिकेटर बता रहा है कि इसके कूलेंट खत्म हो गए हैं, रेडिएटर में पानी डालने की स्थिति है, तो या तो एक घंटे खाली कर लो, एक घंटे ठंडे होने दो गाड़ी को, फिर ठंडा पानी डालना उस पर। और गाड़ी गर्म है तो क्या करना है, स्टार्ट करके यदि वो गर्म रहेगा तभी पानी डालते हैं तो वो गर्म चलेगा। तो बीच जब ऐसे कोई व्यंजन बना रहे हो, बीच में जब पानी डालनी हो तो वो पानी बॉयल होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, पता नहीं दोनों के बराबर संतुलन, सब साथ साथ चलना चाहिए। आलू पहले डाला, वो थोड़ा बन गया, तो फिर मूलियों को डाला, फिर बैगन डाला, और सबसे इसमें नरम चीज है पालक। अब लग रहा है ये तैयार, क्या बोलते हो, फिनिशिंग स्टेज पर है। अब बस एक काम करना रह गया, सावधानी से करना, हरे धनिया को इस पर डाल दिया, और बस एक बार इसे चलाकर, मैंने चलाकर देखा है, आलू को देखा, मूलियों को देखा, बड़ी को देखा, और बैगन तो काफी को, और सबसे बड़ी बात इसमें मुझे प्रसन्नता क्या हो रही है और क्या संतुष्टि लग रही है कि इसमें सुगंध अच्छे आ रहे हैं, भोग बिल्कुल स्वादिष्ट बना है भाई, देखने में भी तो सही लग रहा है। आओ थोड़ा नजदीक से देखो थोड़ा, और आप भी जज करो ये सही है क्या। तो मुझे लग रहा है ये है, अभी अब करता हूं गैस को बंद, और इसे जिस पात्र में भोग लगानी हो, अब ये पात्र सजेगी
और ये भोग तैयार, और इसे मैं करता हूं गैस को बंद और ढककर इन बड़ियों को अंदर ही डाल देता हूं, जब तक अभी ना गर्म से अपना ये अंदर वो और तैयार होता रहेगा इसके रसों के बीच में। ये हो गया। अब अभी देखो एक बात समझने की है, मैं जाने से पहले बताऊं, मेरी ओर से ये तैयार, इसे किसी पात्र में सजा देना है भोग को। भोग लगेंगे, स्वादिष्ट है, माता प्रसन्न होगी, ठाकुर जी को आनंद पूर्वक भोग लगेगा, हम भी पाएंगे, आप कल्पना में पालो मानस रूप से, और जो कमी रह जाए आप भी बनाओ, अच्छा लगे तो मेरी साहस बढ़ा देना, प्रोत्साहित कर देना, तो और अच्छा लगे तो काम करो, ये वीडियो बना रहा हूं ना, इसे सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा शेयर करो, तो लोगों के कमेंट्स आएंगे, अगर हिम्मत हो गई तो फिर मैं दूसरा व्यंजन भी बनाऊंगा आपके साथ, अच्छा बने कैसा बने ये नहीं पता, मैं तो रसोईया हूं नहीं, भाव से बनाता हूं, स्मेल अभी भी आ रही है आनंद को। तो ये हो गया, एक बार और देखो ना, सही है ना, आनंद फर्स्ट क्लास। तो चलो आज की यात्रा हमारी यहां समाप्त होती है, और ये दर्शक को इसी दिखाओ, ये नजदीक से दिखाओ, और यही यात्रा हम बंद करते हैं। तो चलो जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस कोई।